डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं इडली बनाने जा रही हूँ बिना स्टैंड के। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो इडली को कैसे बनाया जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए आज मैं इडली बिना स्टैंड के बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है इडली। सूजी इडली बनाने के लिए हमने ली है सूजी एक बाउल। इसके अंदर हम आधा बाउल दही डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे नमक आधा चम्मच, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसका हमने एक बैटर तैयार कर लेना है। आज हम माइक्रो में इडली बनाएंगे बिना स्टैंड के। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हमने इडली कैसे बनानी है, तो आज स्पेशल उनके लिए ये इडली बनाने लगी हूँ मैं। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, बैटर हमारा तैयार है, इसी तरह से बैटर होना चाहिए। बैटर को हम जितना फेंटेंगे उतनी ही फ्लफी बनेगी इडली। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी इडली जो है स्पॉन्जी नहीं बनती, तो उसका कारण यही है कि हम उसे फेंटते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे हम 5 मिनट के लिए कम से कम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट के लिए हमने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अक्सर ये स्किप कर जाते हैं लोग इस प्रोसेस को, जिसके कारण की इडली हमारी हार्ड हो जाती है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। इसे हम ढक के रख देंगे इस तरह से। आपके पास अगर टाइम ज्यादा है तो आप इसे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आधा घंटा हो गया है, आप देख रहे हैं कि बैटर कितना स्मूथ हो चुका है। ये माइक्रोवेव सेफ कटोरी है, इसे हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। आपने कटोरी पहले तैयार कर लेनी है। आपके घर में कोई भी किसी भी टाइप का बाउल हो, माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, उसके अंदर आप इडली इसी तरह से बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, ये छोटा चम्मच है, आधा छोटा चम्मच इनो पाउडर। आपको ये ध्यान रहे कि इनो आपने तभी डालना है जब आप इडली तैयार करने लगे हों, पहले आपने डाल के नहीं रखना। इनो डालने के बाद अच्छे से इसको एक बार फिर हिला लेना है। आप देख रहे हैं कि बैटर जो है वो फ्लफी होना शुरू हो गया है। इस तरह से हम बैटर को बाउल के अंदर डाल देंगे। ये हमने बैटर को बाउल के अंदर डाल दिया है। इसको आप इस तरह से टैप करिए ताकि इसके अंदर जो खाली जगह है वो भर जाए, एयर ना रहे। ये हमने 5 कटोरियों के अंदर मिक्सचर जो है डाल दिया है और इन सबको टैप कर दिया है। इसे हम माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रो में मेरे 4 बाउल आ गए हैं, मैंने 4 बाउल रख दिए हैं। 3 मिनट के लिए हम इसे सेट कर देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, इडली को हम बाहर निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इडली जो है हमारी तैयार है, बिल्कुल स्पॉन्जी इडली बनी है। हल्का सा इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरह से हाथ से ही निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि बाउल के अंदर हमने इडली तैयार कर दी है। इडली बहुत ही हमारी अच्छी बनी है। आप इसे देख रहे हैं किस तरह से स्पॉन्जी इडली बनी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। 3 मिनट के अंदर ये इडली बनके तैयार हो गई है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे फीडबैक जरूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।